अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग फैशन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता-बस्ता रखे और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रमज़ान करीम कैसा गुजर रहा है? और होपफुली कि सब लोग जो है वो बहुत ही इबादत में मशगूल होंगे, इबादत कर रहे होंगे। आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब दुआ करें तो काइंडली मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि दुआओं की हर इंसान को हर मोड़ पर और हर किस्म के हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेशक दुआएँ बहुत काम आती हैं। सो चलें आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो जी है ईद ड्रेसेस के ऊपर है। बहुत सारी मेरी बहनों ने ईद के जोड़े तो ले लिए होंगे, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं समझ आ रही होगी कि वो अपना ड्रेस जो है वो किस तरह से स्टिच करवाएं। सो आज की इस वीडियो में मैं उनके साथ बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लेटेस्ट सी जो है वो डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही लेटेस्ट है और ये डिज़ाइन जितने भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दुपट्टे के, घेरे के, स्लीव्स के, नेक के सारे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे औरतों के ड्रेसेस हैं वो मैंने इस तरह की ड्रेसेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई देखी है, जो कि बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती है। आप लोगों को यहाँ पर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि आजकल जो है वो अब शॉर्ट शर्ट से लॉन्ग शर्ट का जो है ना वो ट्रेंड शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को अभी इसका नहीं अभी पता, वो नॉर्मल या शॉर्ट शर्ट्स ही रखवा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोग आजकल इस तरह की लॉन्ग शर्ट्स जो है ना वो रखवा रहे हैं। सो आप लोगों ने भी अगर अपना जोड़ा स्टिच करवाना है ना, तो आप लोगों ने अपनी टेलर को ये कहना है कि हमारी जो है वो शर्ट की लेंथ जो है उसको लंबी रखें, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट ईद पे नहीं पहना होता, आप लोगों ने ईद के बाद भी सारा साल उसको यूज़ करना है। सो ये शॉर्ट शर्ट्स का जो है वो तो रिवाज ख़त्म हो रहा है और अब लॉन्ग शर्ट का आ रहा है। फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमने जोड़ा अभी सिलाई करवाया था और ये तो छोटा है, इसकी शर्ट छोटी है, और आजकल जो है वो जी लॉन्ग शर्ट का ट्रेंड आ गया, सो हम इसको नहीं पहनेंगे। आप लोग ऐसा ना कीजिएगा। आप लोग ने अपना जो भी जोड़ा, एक जोड़ा सिलाई करवाना है, दो करवाने हैं, चार करवाने हैं, जितने भी करवाने हैं, उनकी लॉन्ग शर्ट्स रखवानी है। और इसके अलावा डिज़ाइनिंग आप लोगों पे डिपेंड करती है। आप लोग चाहें तो सिंपली भी आप उसको स्टिच करवा सकते हैं, आप लोग चाहें तो जितनी मर्जी डिज़ाइनिंग करवाती जाए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये आप लोगों को बात कहती हूँ कि आप लोग वो उस चीज़ को कॉपी और कैरी किया करें जो आप लोगों की पर्सनैलिटी पर सूट करती है। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं वो अपने फैशन को या अपने चैनल को या अपनी वीडियोज़ को इन्हेंस करने के लिए ये बात कह देती हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे हैं, आप ये करें, आप वो करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि आप लोग उसको कॉपी और कैरी करना जो आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी पे पहने हुए बहुत अच्छे लगेंगे और सूट करेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का, अपनी हाइट का, अपने कॉम्प्लेक्शन का अंदाज़ा होता है। सो वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।